क्या 15 साल पहले पड़ी दरार मिट गई? क्या शाह और नितिन गडकरी दोस्त बन गए? हमेशा एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने वाले नेताओं की ये वाली तस्वीर क्यों वायरल है? क्या संघ की एंट्री ने बीजेपी में सब कुछ बदल डाला है? गडकरी शाह के बीच खड़ा हुआ है संघ। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह के साथ योगी के लिए भी आरएसएस सामने आ गया है। ये चार तस्वीरें देखिए। सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह का चेहरा, नितिन गडकरी का चेहरा, मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह का चेहरा और ये मुस्कुराते हुए यूपी के सीएम योगी का चेहरा। तो क्या आपको पता है ये चार नेता खुश क्यों हैं और इनकी खुशी के पीछे कौन है? बीजेपी में ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह हंसने लगे, नितिन गडकरी खुश हो गए, योगी को फ्री हैंड मिल गया और शिवराज सिंह चौहान का अंधेरा छट गया? कौन है वो पुल जिसने मिटा दी है एक दूसरे की दूरी? बीजेपी में चुनाव से पहले सब कुछ ठीक नहीं था, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह के घर पूजा हो रही थी, योगी की कुर्सी खतरे में थी और उन्हें हटाने और हराने की पूरी तैयारी थी। शिवराज सिंह चौहान का भविष्य दांव पर लग गया था। नितिन गडकरी को मंत्री नहीं बनाए जाने की खबरें भी आने लगी थी। कहा जा रहा था कि वो बीमार रहते हैं इसलिए शायद मंत्री ना बने। तो यहाँ सवाल उठता है कि बीजेपी की ये चौकड़ी क्या मोदी शाह से अलग काम करती है? क्या दोनों नेताओं से ये चौकड़ी अलग सोचती है? मोदी शाह की बीजेपी और बीजेपी की ये नई चौकड़ी क्या कहती है? इस बात को समझने के लिए तस्वीरों का सहारा लेना पड़ेगा। बीजेपी में कुछ ऐसी दरारें पड़ चुकी थी जहां से सत्ता जा सकती थी, ये बात मोदी शाह ने नहीं समझी, लेकिन आरएसएस ने वक्त पर भांप लिया। इसीलिए एक छोटा सा झटका आरएसएस ने खुद बीजेपी को दिया ताकि मोदी शाह की जोड़ी को संदेश जाए कि पार्टी में कोई इतना बड़ा नेता नहीं होता कि वो संगठन से बड़ा हो जाए। बीजेपी की ये चौकड़ी अटल युग की है। योगी आदित्यनाथ को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही पहली बार लोकसभा का टिकट दिया था। 4 जून को जब नतीजे आए तो उस दिन किसी बीजेपी नेता का बयान नहीं आया, यहाँ तक कि सभी सोशल मीडिया से भी गायब दिखे। बीजेपी के साथ संघ को भी झटका लगा कि अरे अचानक ये क्या हो गया, 20 सीटें कमाती तो सब गड़बड़ हो जाता। इसीलिए हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें छिपा है हर वो राज जो जनता को पता होना चाहिए। ये 9 जून की तस्वीर है, यहाँ नरेंद्र मोदी का शपथ कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ सभी बीजेपी नेता बैठे हैं, यहाँ बीजेपी के दिग्गज भी बैठे हैं। हायरार्की के हिसाब से पहले नंबर पे मोदी, दूसरे नंबर पे राजनाथ सिंह को बैठाया गया है, जबकि सरकार में नंबर 2 की कुर्सी शाह के पास है, यानी संगठन में मोदी के बाद राजनाथ सिंह थे, हैं और रहेंगे। यहाँ 2 नेता बैठे हैं जिनकी पुरानी अदावत बताई जाती है। अब ध्यान से 2 तस्वीरों को देखिए। ये पहली तस्वीर है 9 जून की, जहाँ शाह गडकरी घंटों एक साथ बैठे रहते हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं होती, यहाँ तक कि एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। तस्वीरों में दोनों को हाथ मिलाते या हाय हेलो करते भी नहीं देखा गया। ये जग जानता है कि शाह नरेंद्र मोदी के लाडले हैं तो गडकरी संघ के प्यारे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर ध्यान दीजिए। दूसरी तस्वीर 12 जून की है, जब ओडिशा में सीएम का शपथ कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ मंच पे शाह और गडकरी एक साथ दिखते हैं, दोनों का चेहरा बदल जाता है, ऐसा लगता है दोनों का मूड एकदम सही है। यहाँ सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ के दौरान भी गडकरी शाह एक साथ दिखते हैं, दोनों वहाँ भी खुश दिखते हैं और बात करते दिखाई दिए। तो ये अचानक कैसे हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी हुआ करते थे, उन दिनों शाह के सितारे गर्दिश में थे, वो दिल्ली आते तो नितिन गडकरी मिलने का वक्त नहीं देते, जब सत्ता में मोदी आए तो शाह ने भी कुछ वैसा ही किया। इसीलिए एक वक्त ऐसा आया जब गडकरी जैसे नेता को बीजेपी की टॉप कमेटी यानी कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। नतीजों के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई कि पार्टी के सीनियर नेताओं को साइड किया जाता रहेगा तो हाल ऐसा ही होगा। यही संघ ने पुल बन के दोनों पक्षों को जोड़ दिया। इसीलिए अब बीजेपी की ये चौकड़ी बेहद खुश है। योगी का भविष्य भी क्या होगा, इसका अंदाजा आप पूरी कहानी से लगा सकते हैं।